जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तक ये सवाल मुझे कितनी बार पूछा गया है इसका कोई पता नहीं। तो सवाल ये है कि हमेशा मैं हिंदी में क्यों बात करता हूँ जबकि मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा में ही रहता हूँ, तो मैं हिंदी में क्यों बात करता हूँ, व्हाई नॉट इन उड़िया। शायद शुरुआत से लेके आज तक ये सवाल काफ़ी बार मुझे पूछा जा चुका है, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई नीचे कमेंट कर रहा हो, कभी ना कभी ये सवाल तो आ ही जाता है कि तुम उड़िया पे क्यों ब्लॉग नहीं बनाते हो, क्यों हिंदी पे बना रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं उड़िया पे क्यों नहीं वीडियो बनाता हूँ, क्यों मैं हिंदी बोलता हूँ। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया 2019 में, और 2019 में मैं पहले कुछ और वीडियो डालता था, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। फिर मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते हो गया 2020, एक साल लग गया मुझे स्टार्ट करते हुए। आपका भाई बहुत स्लो प्रोसेसिंग है, जो चीज़ भी शुरू करना चाहता है उसका प्रोसेस इतना स्लो है कि एक साल तो गुजर ही जाता है। तो बात आता है 2020 की, तो 2020 में मैंने जब शुरू किया था मैंने सोचा कि अगर मैं उड़िया पे वीडियो बनाता हूँ तो सिर्फ उड़ीसा में ही देखा जाएगा, अगर मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने हिंदी में वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में हुआ क्या, शुरुआत में जब मैं वीडियो बना रहा था कभी मैं ठीक से बोल नहीं पाता, कभी मैं उड़िया में मतलब हिंदी बोलते बोलते कभी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होता, कभी कभी हिंदी बोलते बोलते ऐसा लगता था कि मैं उड़िया का ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ जो जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। अगर अभी की भी बात करूँ तो अभी भी मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बोल सकता, मतलब फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, बीच बीच में कहीं पे तो रुक जाता हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले मैं बिल्कुल बोल तो पा रहा था लेकिन उतना ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाता, लेकिन आज की बात करूँ तो आज बहुत ज़्यादा क्लियर बोल सकता हूँ, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो। और अगर आप मेरे शुरुआत की वीडियो जाके देखोगे तो आपको श्योर हंसी तो आएगी। तो ये था बात 2020 की, अभी तो हम 2021 में आ चुके हैं, तो 2021 में ये सब नहीं चलने वाला। 2021 में आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप उड़िया में वीडियो बनाएंगे तो उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि 2021 है भाई, 2021 में सब कुछ पॉसिबल है। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो लोग उड़िया में वीडियो बनाते हैं, और उनका ऐसा तो आपको पता है गौतम भाई हो, तो उनसे मिल चुका हूँ लास्ट टाइम, और उनके वीडियो में तो काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है, 2 लाख 3 लाख तक व्यू आ जाता है। और इसके बाद अगर बात करूँ तो हमारे उड़िया ब्लॉगर उड़िया टोका और बुल्लू भाई ना उड़िया ब्लॉगिंग चैनल, उनका भी तो उनके चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, उनका तो काफ़ी अच्छा व्यूज आ जाता है, लेकिन उनके साथ मैं कंपेरेबल नहीं हूँ। मेरा बोलने का मकसद बस यही है कि और उनके चैनल पे व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब उड़िया में लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उड़िया में लोग नहीं देख रहे हैं। 2020 से पहले बात कुछ और था और 2021 में बात कुछ और है। और लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था उड़िया और हिंदी में, तो उड़िया को ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी हिंदी टैप नहीं कर रहा है, लगभग 35 से या 40 लोग उसमें वोट दिए थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें ऐसा था कि 30% हिंदी चाहते हैं और लास्ट 70% उड़िया चाहते हैं। तो 30% कहीं पे होंगे जो हिंदी सुनना चाहते हैं, तो वो सारे बातें 2020 में सही थे। तो अभी 2021 में मैं क्या सोच रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ये है कि मैं उड़िया में ब्लॉग करूँ या हिंदी में। हिंदी में इतना तो कन्फर्म है कि लोग उतना ज़्यादा हिंदी पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बाहर के हिंदी के हिसाब से, मतलब जो लोग पहले से ही शुरुआत से हिंदी बोलते हैं वो काफ़ी अच्छे बोल लेते हैं, और यहाँ पे भी है मतलब उड़ीसा में भी बहुत लोग हैं जो अच्छे हिंदी बोलते हैं, मेरा हिंदी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, किसी और के बारे में तो मुझे नहीं पता। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो अगले वीडियो में हम हिंदी को थोड़ा साइड पर रख के उड़िया में ब्लॉग बनाएं। अभी पब्लिक का डिमांड जो है उस पर तो काम करना ही पड़ेगा, अगर लोग हिंदी पसंद करते हैं तो हिंदी में बोलेंगे, अगर लोग उड़िया पसंद करते हैं तो उड़िया में बोलेंगे, चाहे हो टूटा फूटा उड़िया हो या टूटा फूटा हिंदी हो, उड़िया तो नहीं टूटेगा। नहीं, मेरा टॉकिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हिंदी से तो बेहतर रहेगा इतना मैं जानता हूँ। और साथ में मेरा उड़िया चैनल भी है, तो अभी उसमें वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, अगर इसमें उड़िया में मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ तो उसमें मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
बाद में सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल एक ही चैनल पे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी घर का काम हो, कभी बाहर का काम हो, और कोई भी काम नहीं हो तो मैं बेड पे लेटा रहता हूँ, सो जाता हूँ, मोबाइल पे टाइम पास कर लेता हूँ। वीडियो बनाने का बिल्कुल कभी मूड नहीं होता, कभी मन नहीं होता, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग्स में ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, कभी अगर घर पे ब्लॉग्स बनाते हो व्यूज़ कम आते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जनवरी को एक साल हो जाएगा मेरा यूट्यूब का करियर, और एक साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, जितना मतलब किसी बड़े यूट्यूबर के जैसे तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है मैंने, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो छोड़िए ये सारी चीज़ें, अभी फिलहाल अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज है संडे, एंजॉय योर संडे। मिलेंगे फिर कभी किसी नए ब्लॉग में या नया जगह, पता नहीं। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।